नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टडी पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा, आपका ITI फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो है ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, वो समाप्त हो चुका है 31 जुलाई 2019 को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 50 के 50 क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक, लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए, जिससे कि सभी प्रश्नों के राइट आंसर आपको मालूम चल सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से पहले तो लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आगे भी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पेपर नंबर फर्स्ट, और ये आपका फर्स्ट ईयर का है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपके टोटल अधिकतम जो अंक थे वो 100 नंबर का ये पेपर था, जिसमें आपको टाइम 2 घंटे दिया गया था और 50 क्वेश्चन थे, और सभी क्वेश्चन जो है वो करने अनिवार्य थे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो फ्रेंड्स पेपर है वो बुकलेट सीरीज़ बी का है। आपके पास जो भी सीरीज़ है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर का मिलान कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इनमें से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। दोस्तों देखिए, इनमें से किस पदार्थ की सबसे प्रतिरोधकता कम होगी, तो दोस्तों सिल्वर की। जी हाँ, सिल्वर की प्रतिरोधकता जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि जो सिल्वर होता है इसकी जो चालकता होती है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अच्छा कंडक्टर एक डैश इंसुलेटर होता है। देखिए दोस्तों, एक अच्छा जो कंडक्टर चालक होता है वो फ्रेंड्स एक बुरा इंसुलेटर यानी अचालक होगा, तो बी नंबर ऑप्शन बुरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है इंग्लिश में, इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, DC नेटवर्क के द्वारा स्थानांतरण की गई पावर अधिकतम कब होती है। दोस्तों DC नेटवर्क के द्वारा स्थानांतरण की गई पावर अधिकतम होगी जब RL जो हो जाएगा वो RTH इज इक्वल टू हो जाएगा RN के बराबर। जी हाँ, RL इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू RN जब हो जाएगा, तब आपका DC नेटवर्क के द्वारा जो स्थानांतरण की गई पावर होगी वो अधिकतम हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर ओम वैल्यू वाला एक रेजिस्टेंस प्रत्येक डेल्टा से जुड़े हो तो समतुल्य स्टार के पास प्रत्येक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों ये हो जाएगी R/3 ओम। जी हाँ, R/3 ओम जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें एक इजी सा फॉर्मूले का यूज़ होता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, घरेलू संस्थापन में खालिस्तान जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, जो घरेलू संस्थापन होते हैं उनमें दोस्तों जो सभी जो कंपोनेंट होते हैं वो समानांतर यानी पैरेलल में जोड़े जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिनोसोडियल विविध मात्रा का पीक फैक्टर कितना होगा। दोस्तों देखिए, सिनोसोडियल विविध मात्रा का जो पीक फैक्टर होगा ये आपका 1.414, जी हाँ 1.414, 1.414 होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे देश में मानक ऊर्जा आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है। दोस्तों हमारे देश में मानक ऊर्जा आपूर्ति की जो आवृत्ति होती है ये 50 हर्ट्ज यानी 50 हर्ट्ज होती है, और इसमें जो है ना, जो फ्रेंड्स इसमें जो परिवर्तन हो सकता है वो ±3% का हो सकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, जब 30 वोल्ट DC को लगाया गया तो कोयल द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा 300 वाट है, और जब 30 वोल्ट 1 लगाया गया तो ऊर्जा 108 वाट है, इस स्थिति में कोयल का रिएक्टेंस क्या होगा। दोस्तों इस स्थिति में कोयल का रिएक्टेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, 4 ओम फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था आज, 3-फेज सर्किट के लिए पावर का क्या फॉर्मूला होता है। दोस्तों देखिए, 3-फेज परिपथ के लिए पावर का, शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 VL IL cos थीटा।
ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न, दो में से एक वाट मीटर को संतुलित थ्री फेज वाले लोड में ऊर्जा को मापने के लिए जोड़ा गया, यह उस स्थिति में परिणाम शून्य दर्शाएगा जब लोड पावर फैक्टर कितना होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न, देखिए तीन एक समान इंडक्टिव कॉइल जिनका प्रतिरोध 20 ओम है और रिएक्टेंस 30 ओम है, इन्हें एक जाली जिसमें थ्री फेज 400 वोल्ट सप्लाई है, फेज करंट आपको ज्ञात करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.11 एम्पियर, 1.11 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन एक बार फ्रेंड्स हम छोड़ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजिंग है, इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट में मिल जाएगा बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं होता है। दोस्तों रिवेट का जो मुख्य भाग नहीं होता है वो होता है थ्रेड, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, वह मात्रा जिसमें दो जुड़ी हुई रोड को एक साथ निकाला जाता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों वो कहलाता है लेड, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, ड्रिलिंग और पंचिंग में कौन सा सस्ता होता है। दोस्तों ड्रिलिंग और पंचिंग में से सस्ता होता है पंचिंग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, केबल में इनमें से किस इंसुलेशन को प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों केबल में इनमें से वह इंसुलेशन जो प्रयोग में लाया जाता है उस इंसुलेशन का नाम है पेपर इंसुलेशन, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, एम्पायर टेप क्या होता है। दोस्तों एम्पायर जो टेप होता है ये संसोचित करने वाला एक कागज होता है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, प्रेशर केबल सामान्यतः किस मान से ऊपर उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों प्रेशर जो केबल होता है ये 132 किलोवोल्ट से ऊपर जो है ना वो यूज़ नहीं किया जाता है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, केबल के लिए कांदूकंटस की तरह प्रयोग में लाई जाने वाली जो होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों तो ये होती है एनिल्ड, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, एक केबल के खराब होने का वोल्टेज किस पर निर्भर होता है। देखिए दोस्तों कोई भी जो केबल के खराब होने का जो वोल्टेज होगा ये निर्भर करेगा सभी पे, नमी के दाब पर भी करता है, कार्य करने के तापमान पर, वोल्टेज को लागू करने के समय पर, इन तीनों ही पे जो है ना एक केबल के खराब होने का वोल्टेज जो है वो निर्भर करता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, केबल का जो सर्ज होता है वो कितना ओम होता है। देखिए केबल का जो सर्ज होगा दोस्तों वो होगा 100 ओम, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, निम्न तनन की केबल सामान्यतः की मान तक की उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों देखिए निम्न तनन की जो केबल होती है ये सामान्यतः 500 वोल्ट के मान तक की यूज़ में लाई जाती है, बी नंबर ऑप्शन 500 वोल्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर क्वेश्चन है, एक समास के भीतर विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित करके रासायनिक अपघटन को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों ये कहलाती है इलेक्ट्रोलाइट की प्रक्रिया, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी होती है। दोस्तों ये होती है ऊष्मा प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का खराब कंडक्टर यानी चालक है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो विद्युत का ऊर्जा का सबसे खराब इंडक्टर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो है दोस्तों द्रव्य सोंधित जल, जिसको आसुत जल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, जब कॉपर सल्फेट के घोल में से विद्युत करंट को पास किया जाता है तब कॉपर का अपघटन किसके खालिस्तान से जुड़े इलेक्ट्रोड पर होता है।
दोस्तों ये होता है बैटरी के नकारात्मक सिरे पर। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, जब एक बल्ब के भीतर से विद्युत करंट को हस्तांतरित किया जाता है तब बल्ब क्यों प्रकाशित होता है। दोस्तों ये होता है करंट के प्रकाश के प्रभाव के कारण। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, वायरिंग का प्रकार किस पर निर्भर करता है। दोस्तों वायरिंग का जो प्रकार होता है ये इन तीनों पर ही निर्भर करता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन ये सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकार के बिजली के तारों में पोर्सलिन क्लीट से समर्थित पृथक केबल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है CTS व RTS प्रकार के बिजली के तारों में पोर्सलिन क्लीट में समर्थित पृथक केबल का यूज़ किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, टीक वुड पर TRS केबल को ड्रॉ करने के लिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है बेटन वायरिंग का। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, कार्डबोर्ड बॉक्स में लिंकिज्म की दर डैश लिंक क्लिप्स प्रति बॉक्स होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 50। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, PVC कंडक्ट डैश मीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों देखिए PVC कंडक्ट जो है दोस्तों ये होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा PVC कंडेंट जो है दोस्तों ये 4 मीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोल्ड बेंडिंग डैश का उपयोग करके की जा सकती है। दोस्तों जो कोल्ड बेंडिंग होता है ये नी का यूज़ करके जो है ना की जा सकती है। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन है, रसोई घर में कितने 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है। दोस्तों कुल एक जो है ना 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है रसोई घर में। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि हमारे पास 2-5 एम्पियर और 100 वाट के सॉकेट हैं तो बिजली के सर्किट में कितना भार होगा। दोस्तों इसमें हो जाएगा कुल 200 जो है ना इसमें लोड हो जाएगा टोटल। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न, 4 मीटर × 3 मीटर के आयताकार रूम पर 50 लक्स के औसतन प्रदीपक को प्राप्त करने के लिए 300 लूमेंस के कितने लैंप की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 लैंप की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न है, LED के विषय में ड्राइवर का क्या काम होता है। दोस्तों LED के विषय में जो है ना ड्राइवर का काम होता है AC को DC में बदलना। LED जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, और ये उपकरण DC पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न, 60 कैंडल पावर के स्रोत के द्वारा कितने कुल फ्लक्स का उत्सर्जन होगा। दोस्तों 60 कैंडल पावर के स्रोत के द्वारा कुल 754.2 लूमेंस का जो है ना कुल फ्लक्स उत्सर्जन होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न, ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है जिसको HT टेंशन बोलते हैं, उस साइड की जो वाइंडिंग में जो है ना वो घुमावों की संख्या ज़्यादा होती है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है, एक 25 KVA 400 वोल्ट 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात रेशियो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, 25 KVA क्षमता दे रखी है जिसमें आपको 400 वोल्ट / 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात रेशियो होगा वो 0.5 होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, एक पावर ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर के
किसके लिए यूज़ किया जाता है? दोस्तों एक पावर ट्रांसफार्मर में जो तेल का यूज़ किया जाता है वो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, एक संतुलित थ्री फेज लोड में न्यूट्रल में कितना करंट होगा? दोस्तों एक संतुलित थ्री फेज लोड में न्यूट्रल में करंट होगा शून्य, जीरो। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न, KVL के अनुसार सभी IR ड्रॉप्स और नेटवर्क के किसी बंद लूप में EMF का बीजगणित जोड़ जो है वो कितना होता है? ये शून्य होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, ओम का नियम लागू वोल्टेज करंट और डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, ओम का जो नियम होगा ये लागू वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच में संबंध प्रदान करता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न, चेसिस ग्राउंड डैश अंतः शक्ति के लिए काल्पनिक होता है। दोस्तों ये होता है नकारात्मक शक्ति के लिए। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी की यूनिट होती है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 48 नंबर प्रश्न है, एक सर्किट जिसमें 0.5 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, 100 ओम के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसकी पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसमें सिंपल सा आपको फॉर्मूला यूज़ करना था, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो आप इसको हल करोगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 25 वाट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या होती है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट होती है KWH, किलो वाट हावर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट और 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पेपर का। दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, 5 घंटों में एक 200 वाट और 250 वोल्ट का लैंप कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से यूज़ कर सकते थे, वाट मल्टीप्लाई घंटा मल्टीप्लाई दिन अपॉन में आप 1000 रख के इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। जब आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 1 KWH, 1 KWH। ठीक है फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर, जो कि आपका 31 जुलाई 2019 को समाप्त हुआ है। और फ्रेंड्स, इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन थे, मैंने 50 के 50 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अभी नहीं बताया है, उसका भी आंसर आपको कमेंट में जल्दी बता दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन का आंसर गलत है तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के बीच में लाइक करना और साथ में सभी दोस्तों के बीच में शेयर करना मिलके। और फ्रेंड्स, आगे भी सबसे पहले नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।